अगले साल से धर्मशाला में कबड्डी व खो खो के राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी आएंगे और यहां पर अपने 5 साल तक दोनों खेलों का अभ्यास भी करेंगे। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया अभियान के तहत धर्मशाला को कबड्डी व खो खो की अकादमी है। प्रारंभिक दौर में दोनों अकादमी का संचालन भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशासन करेगा। अप्रैल माह के बाद दोनों खेलों के खिलाड़ी पहुंच जाएंगे। ये अकादमी प्रदेश की पहली राष्ट्रीय स्तरीय अकादमी होगी जहां राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी अभ्यास करेंगे। इस साल मार्च माह से शुरू हुए खेलो इंडिया अभियान के तहत 5-5 सालों के लिए स्कॉलरशिप के लिए चुनने को अलग अलग राज्यों में प्रशिक्षण अकादमी में भेजा जा रहा है। साई हॉस्टल धर्मशाला की सीमा भी इन दिनों कलिंग कैरियर अकादमी भुवनेश्वर में अभ्यास कर रही है। अभियान के तहत कबड्डी व खो खो की राष्ट्रीय स्तरीय अकादमी धर्मशाला में स्थापित की जा रही है। दोनों खेलों में 25-25 खिलाड़ी भाग लेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश की खेलों की स्थिति ये है कि यहाँ किसी भी खेल की राष्ट्रीय स्तरीय अकादमी नहीं है। हालांकि साई प्रशासन बिलासपुर व धर्मशाला में राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स सेंटर चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ विशेष नहीं है। मौजूदा समय में साई हॉस्टल धर्मशाला में कबड्डी वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के 70 खिलाड़ी हैं। दोनों खेलों के राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ियों को मिलाकर हॉस्टल में खिलाड़ियों की संख्या 130 से 140 तक पहुंच जाएगी। विदित रहे कि धर्मशाला के सक्रोह में साई प्रशासन सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहा है। सेंटर बनने के बाद राष्ट्रीय खिलाड़ियों को वहां शिफ्ट किया जाएगा। साई हॉस्टल में कबड्डी वॉलीबॉल और एथलेटिक्स 3 खेलों में खिलाड़ियों के ट्रायल में लिए साई निदेशालय ने प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव को स्वीकृत मिलने के बाद मार्च माह हॉस्टल के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। साई हॉस्टल प्रभारी KS पटियाल ने बताया कि खेलो इंडिया अभियान के तहत धर्मशाला को कबड्डी व खो खो की अकादमी फाइनल हुई है। अगले साल से दोनों खेलों के राष्ट्रीय खिलाड़ी आ जाएंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टेनिस सेंटर धर्मशाला में हमें खेलो इंडिया से 2 अकेडमीज अलॉट हुई हैं और एक कबड्डी में है और एक खो खो में, और खो खो का भी हमारे यहाँ असेसमेंट कैंप लग चुका है और उसके जो बच्चों ने अपनी जो कंसेंट दे रखी है कि वो नेक्स्ट अकेडमिक सेशन से जो है धर्मशाला में ज्वाइन करेंगे अकेडमी को, इसी तरह कबड्डी के भी नेक्स्ट अकेडमिक सेशन से ही ज्वाइन करेंगे क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का सेशन चल रहा है और नेक्स्ट सेशन से सब बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं। सर, हिमाचली खास करके हिमाचली बच्चों को कितना की फायदा है? हिमाचल के बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि इस तरह की जो फैसिलिटीज, इसके साथ ही फैसिलिटीज और इम्प्रूव होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव होगा तो बच्चे देखकर मोटिवेट होंगे और ज़्यादा बच्चे कबड्डी खेलेंगे, खो खो खेलेंगे। और क्योंकि खो खो भी अभी हम हिमाचल में इतने आगे नहीं हैं तो मेरे को लगता है कि जब वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो मेडलिस्ट हमारे पास यहाँ आएंगे उनको देखकर और जब ये बच्चे जो हिमाचल में खेलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है इससे जो मोटिवेट होंगे और खो खो का भी जो हमारा लेवल है परफॉर्मेंस लेवल वो काफ़ी ऊपर जाएगा। थैंक यू सर। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी कविता ठाकुर ने बताया कि खेलो इंडिया अभियान के तहत धर्मशाला को कबड्डी व खो खो का सेंटर साई हॉस्टल को मिला है। बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि साई सेंटर की परफॉर्मेंस कबड्डी में पहले से भी बहुत बढ़िया है। उन्हें बताया कि यहाँ का मौसम खेलों के लिए खिलाड़ियों को बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया कि वह पिछले 10 वर्षों से साई हॉस्टल में ही कबड्डी की कोचिंग ले रही हैं और यहाँ जो खिलाड़ियों को खाना मिलता है बहुत उच्च क्वालिटी का होता है। उन्होंने बताया कि धर्मशाला साई सेंटर से 4 कबड्डी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं जिनमें से एक भी हैं। कबड्डी के और खो खो के यहाँ पे कैंप लगने जा रहे हैं, इससे हिमाचल के प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनको अपनी गेम को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, वो इनसे और अच्छा सीख सकते हैं और हिमाचल के लिए और मेडल लेके आ सकते हैं। तो क्या लगता है कि जो हिमाचली खिलाड़ियों के लिए जो ये कबड्डी जो खेलो इंडिया सेंटर है वो नींव का पत्थर साबित होगा? जी बिल्कुल, कबड्डी के लिए स्पेशली साई जो धर्मशाला का हॉस्टल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जो इम्प्रूव कर चुके हैं और कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सीनियर से लेकर जूनियर और सब जूनियर के बच्चे मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि हिमाचल के लिए और जो प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं कैंप अटेंड करने के लिए उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो अपने गेम को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। कितने प्लेयर जो हैं वो यहाँ से अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं? ये कबड्डी के अभी साई सेंटर से हमारे 5 प्लेयर इंटरनेशनल रह चुके हैं। इनमें से काफ़ी बच्चे जो अभी सीनियर नेशनल मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है और जूनियर और यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट हैं। हाल ही में जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में रहे हैं उसमें भी हमारे 5 प्लेयर्स हैं जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं।